मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 5 की EBS की पुस्तक हम ऐसे बने के पाठ 5 मानव की उन्नति के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक के एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधि से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ के अनुसार आधुनिक मनुष्य के पूर्वज लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के तंजानिया और केनिया में विकसित हुए। इस पाठ के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अपने को मनुष्य उन्नति की ओर ले गया। इस प्रकार कहीं आग का आविष्कार हुआ तो कहीं पहिए का और कहीं हथियार व औजारों का आविष्कार हुआ। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही यह गृह कार्य में उपयोगिता को भी समझाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु कुशल मानव से लेकर आधुनिक मानव तक तथा उन्नत बुद्धिमान मानव तक को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक नवाचार क्रियान्वयन के लिए कुछ स्टेशनरी तथा मानव की उन्नति पाठ की तालिका को तैयार करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कुशल मानव से आधुनिक मानव व बुद्धिमान मानव की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक यह भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की गई हो। छात्रों के लिए भी कुछ निर्देशों का पालन आवश्यक होता है। छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से कुशल मानव और आधुनिक मानव तथा बुद्धिमान मानव तक की यात्रा के विभिन्न चरणों से जुड़ी हुई उन्नति की तालिका को बनाते हैं। छात्र अभिभावकों की मदद से तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं। शिक्षक प्रत्येक छात्र को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावकों के सहयोग से भरा जाता है। इस तालिका में विद्यार्थी का नाम, कुशल मानव व आधुनिक मानव और बुद्धिमान मानव तक की यात्रा की उन्नति की जानकारी इसमें लिखी होती है। सभी छात्र इसे सावधानीपूर्वक अपने अभिभावकों को देते हैं, जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है। और छात्र बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका की सूचना के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। सभी छात्र अगले दिन तालिका व चार्ट को भरकर कक्षा में शिक्षक के सामने जानकारी पढ़कर बताते हैं और चार्ट को जमा करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में उत्तराधिकार की भावना के साथ साथ निर्देशों का पालन करने से नैतिक मूल्य का विकास होता है। अभिभावकों के सहयोग से छात्रों में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से आसपास की समझ विकसित होती है। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य करने की तकनीक को समझते हैं। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक भाव भी पैदा होते हैं। अपरिचित शब्दों से अर्थ शब्दकोश में खोजते हैं। सुनी गई, पढ़ी गई रचनाओं, घटनाओं, चित्रों, पात्रों आदि के बारे में बातचीत भी करते हैं। इस नवाचार से मूल जीवन कौशल व आत्म जागरूकता की गहन सोच का भी विकास होता है। पाठ मानव की उन्नति को निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाता है। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, साथ ही PRP अनुपात का भी ध्यान रखता है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।